हे गाइस, वेलकम टू द चैनल रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज मैं यहाँ डिस्कस करूँगी योजना मैगजीन्स की फुल एनालिसिस। और ये सितंबर मंथ की योजना है जिसकी टाइटल आप देख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये फर्स्ट आर्टिकल है, क्रेडिबल एम्प्लॉयमेंट डेटा नीड ऑफ द आवर। इसमें स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि हर स्टेट में आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिबेटिंग टॉपिक अगर कोई है तो वो है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। किस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और किस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट घटी है, यही आज के डेट में सबसे बर्निंग मुद्दा है। सो ये सारे जितने भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है तो इसके लिए थ्री रियलिटीज़ कॉन्स्टेंट है। पहला है कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अगर देखें तो 80% जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, जो कि अपने आप में बहुत ह्यूज है और उसको मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सेकंड, अगर बात करें तो हमारे न्यू गवर्नमेंट की भी जो प्रमोट करने की तरीका है हमारे इकॉनमी का, तो उसमें जितने भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ओपन हो रही है, जिसका कि कोई ऑफिशियल डेटा मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और थर्ड है कि जो भी जॉब की क्वालिटी ऑफर की जा रही है वो एज़ पर द एस्पिरेशंस की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। सो ये तीन मेज़र कंस्ट्रेंट है जिसके कारण ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की रेशियो डाउन होते जा रही है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की रेशियो अप होते जा रही है। अगर अभी हम लोग रिसेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में देखें तो 10 to 12 million पीपल्स जो है वो हर साल जॉब मार्केट में इंटर होते हैं, जिसमें कि फ़ीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत लो होता है। ओनली 27 to 30% जो पार्टिसिपेशन होता है उसमें फ़ीमेल का पार्टिसिपेशन होता है। अब समझते हैं कि क्रेडिबल एम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है। जो अभी करंट डिस्कशन चल रही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि घट रही है, वो बस इसलिए नहीं प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है क्योंकि डेटा का जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। बहुत सारे सर्वे कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, लेकिन फिर भी एक क्रेडिबल डेटा बन के नहीं आ रहा है बाहर। द एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्टेड बाई नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा के ये सर्वे किया गया था, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है जिसके अंदर बहुत सारे लेबर को इंक्लूड किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री हुआ, सर्विस हुआ, सारे चीज़ इनमें इंक्लूड होते हैं, और वो भी बहुत अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों के इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इस सर्वे को लास्टली कंक्लूड किया गया था 2011 to 12 में। अगर आज के डेट से देखें तो ये डेटा 6 to 7 साल पुराना हो चुका है। एक एनुअल लेबर सर्वे किया गया था लेबर ब्यूरो के द्वारा, वो भी 2015-16 में कहा गया था, जो कि आज की डेट से अगर हम लोग देखें तो वो भी आउटडेटेड हो चुका है। सो इसीलिए लास्ट 3-4 ईयर्स से अगर हम लोग कंपेयर करें तो कोई भी क्रेडिबल डेटा नहीं मिला है हमें एम्प्लॉयमेंट का। अब एम्प्लॉयमेंट डेटा के बारे में जानते हैं। लास्ट 2-3 ईयर से हमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं मिला है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डेटा गैप हो गया है एम्प्लॉयमेंट का। सो इसी तर्ज पे नीति आयोग के जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट का सीनैरियो तैयार करने के लिए कहा था 2017 में, और ये सर्वे को ईयरली बेसिस पे रखा जा रहा था कि 2017 से ये स्टार्ट होता और हर साल एम्प्लॉयमेंट का डेटा को कलेक्ट करता, और इसका बेसिस जो था वो था हाउस होल्ड सर्वे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एस्टिमेट्स। सो इंडिया में पहली बार पेरोल रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई और इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट को मेज़र किया जा रहा था। सो पेरोल रिपोर्टिंग क्या होती है, इसमें मेज़र किया जाता है कि कितने फॉर्मल जॉब्स होते हैं और कितना उसका मंथली बेसिस पे वो इंक्रीज़ होता है। अगर EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इंडिया के फॉर्मल सेक्टर में 41 लाख फॉर्मल जॉब्स जो है वो क्रिएट किए गए थे 2017 सितंबर to 2018 अप्रैल तक। उससे पहले 2016-17 में जो EPFO का डेटा था उसको NPS के डेटा के साथ मिलाकर ये बताया जा रहा है कि एस्टिमेटेड जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है वो 70 लाख जॉब हुआ है। अगर EPFO के डेटा के से अलोन अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ़ जॉब्स जो क्रिएट हुआ है 17-18 में वो 5.5 बिलियन हुआ है, सॉरी 5.5 मिलियन हुआ है, और 4.5 मिलियन जो है वो 2016-17 में ऐड किया गया था। सो जितने भी फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स थे वो सारे पेरोल रिपोर्टिंग के थ्रू कवर हो चुके हैं, और जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जॉब थे उनकी भी अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है।
अब देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हालचाल है। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप में 80% जो है लेबर फोर्स को इंक्लूड किया गया है। आज की जो न्यू गवर्नमेंट है और जो न्यू इकॉनमी है वो दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में इन लोग के लिए बढ़ाए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका क्या आ गया, ओला आ गया, ऊबर आ गया और डिलीवरी प्रोफेशनल्स है जैसे कंपनीज़ में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील्स, ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही लोग एम्प्लॉयड हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया बेस्ड जो कैब हेलिंग सर्विस ओला है उन्होंने रजिस्टर किया है कि 37,000 पार्टनर ड्राइवर्स उनके यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं 20 सिटीज़ के लिए वो, और ये डेटा है 2014 का, जो कि अगर 2018 के कंपैरिजन में देखें तो ये बढ़ के हो गया है 1 मिलियन रजिस्टर्ड ड्राइवर्स पार्टनर अक्रॉस 110 इंडियन सिटीज़। और अगर ऊबर की बात करें तो वो 2018 में 1.2 मिलियन रजिस्टर्ड पार्टनर ड्राइवर्स को इंक्लूड किया है। और अगर सिर्फ हम लोग कैब बिज़नेस के बारे में ही देखें तो लास्ट 4 ईयर में 2.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। और कुछ सर्विसेज जैसे ऊबर, क्लैब, क्विकर सर्विसेज, ये सारी इंडिविजुअली 2.5 मिलियन प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड हुए हैं पोर्टल्स में, जो कि हर सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट सर्विस को ऑफ़र करते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखें जहाँ की गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, तो 2013 में 8.1 मिलियन रजिस्टर्ड ट्रक्स थी, लेकिन हर साल 0.7 मिलियन न्यू ट्रक्स ऐड होते हैं। और अगर आज की डेट में देखें 2018 में तो 12 मिलियन न्यू ट्रक्स ऐड हुए हैं ये गुड्स रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। लेकिन ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं इसलिए इनको कहीं भी एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे ऑटो रिक्शा वाले हो गए या फिर कोई और जो ट्रक वगैरह चलाते हैं, साइकिल वगैरह, रिक्शा वगैरह जो भी चलाते हैं उनके जो ड्राइवर होते हैं उन सारे लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, चाहे वो पेरी अर्बन में हो या रूरल एरियाज़ में हो। सो अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का आप इतने लोगों को अगर एक साथ मिला के देखो तो 12 से 15 मिलियन एम्प्लॉयड पर्सन्स इसी सेक्टर में अकेले हैं। और इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और लोगों को अगर इंक्लूड करना है तो रोड साइड ईटरीज़ को इंक्लूड कर सकते हो, टूरिज्म रिलेटेड वर्कर्स, दोज पीपल्स हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल मंडीज़, हार्ट्स और रिलेटेड वोकेशंस। सो ये सारे लोगों को भी इंक्लूड करोगे तो ये जो नंबर है 12 to 15 मिलियंस एम्प्लॉयड पर्सन ये डेफिनेटली और इंक्रीज़ होगा। सो अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो 2 साल में 7 to 8 मिलियन न्यू जॉब्स जो है वो अकेले ही क्रिएट हुआ है। अगर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी लास्ट 4 ईयर से अगर काउंट किया जाए तो वो भी सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ है। और उसको राइज़ करने के पीछे मुद्रा लोन्स का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। मुद्रा लोन्स जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे और सेल्फ एम्प्लॉयड थे या जॉब क्रिएशन करने वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया गया है, क्योंकि मुद्रा लोन्स के अंदर 3 तरीके का लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंदर उन लोगों को लोन्स दिया जाता है जिनको 50,000 से कम लोन की ज़रूरत होती है, और किशोर के अंदर उन लोगों को लोन्स दिया जाता है जिनको 50,000 से 5 लाख के बीच में लोन्स की ज़रूरत होती है, और तरुण में जिन लोगों को 5 लाख to 10 लाख तक की लोन्स की ज़रूरत होती है। सो मुद्रा लोन्स के अकॉर्डिंग एक इंसान को 10 लाख तक की लोन्स प्रोवाइड की जा रही है। और अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 12 करोड़ लोन्स अब तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, और आउट ऑफ 12 करोड़ लोन से 9 करोड़ जो है वो विमेन बोरोवर्स हैं। सो मुद्रा लोन के कारण बहुत सारे न्यू जॉब्स क्रिएट हुए हैं और बहुत सारे न्यू बिजनेस भी क्रिएट हुए हैं। अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मिला के अगर ये कहें कि एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है तो लास्ट 4 ईयर्स से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। यहाँ पे लोगों की सक्सेस स्टोरी दी गई है। एक मैं बता देती हूँ, एक निवेदिता थी जो लुधियाना शहर से थी, वो लेडी अपना एक सिंगल स्विंग मशीन से अपना गारमेंट का बिज़नेस चलाती थी, लेकिन मुद्रा लोन लेने के बाद वो अपने बिज़नेस को 10 स्विंग मशीन्स में एक्सपेंड कर सकी और वो 10 अलग लोगों को जॉब भी प्रोवाइड की। सो ऐसे और भी ये एग्जांपल्स है सक्सेस स्टोरी जो मुद्रा लोन्स के द्वारा लोगों को मिला। सो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, यूजिंग पेरोल रिपोर्टिंग। अभी भी इंडिया में कोई ऐसी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं है जो कि ये बता सके कि कितनी जॉब क्रिएट हो रही है हर एक दिन में।
और NSSO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी ये अच्छे से एस्टिमेट नहीं मिल पा रहा है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है। अगर एक गुड प्लेस को एनालाइज़ करने का सोचे कि कहाँ से स्टार्ट करें ये एनालाइज़ करने का कि जॉब कितना है हमारे मार्केट में, तो इससे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ह्यूमन कैपेसिटी कितना है किसी जॉब मार्केट में सप्लाई करने का। इंडिया में अगर जॉब की डिफिनेशन अगर पता करने की कोशिश करें, तो जॉब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जॉब को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक फॉर्मल सेक्टर जॉब, एक इनफॉर्मल सेक्टर जॉब। फॉर्मल सेक्टर जॉब्स को सारे सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिले हुए हैं। सोशल सिक्योरिटी जो मिले हुए हैं उसमें उनको थ्री तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस मिले हैं, EPFO, ESIC एंड NPS। NPS एक तरह का स्पेसिफिक है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मिलता है। इन तीनों के तहत पेंशन मिलती है जो कि आप आफ्टर रिटायरमेंट भी उसको यूज़ कर सकते हो उस पैसे को। तो जो बेस्ट सोर्स होता है फॉर्मल जॉब क्रिएशन का वो EPFO और ESIC में होता है। और अगर लास्ट 6 मंथ का डेटा को लिया जाए EPFO और ESIC का, तो उनको एनालाइज़ करने के बाद मार्च 2018 में ये फाइंडिंग निकल के आया है कि EPFO के थ्रू 55 लाख इंक्रीमेंटल जॉब्स रजिस्टर्ड किए गए हैं और ESIC के थ्रू 9 लाख जॉब्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। वहीं अगर NPS की बात करें तो उससे 7 लाख जॉब्स रजिस्टर्ड किए गए हैं, यानी टोटल का अगर देखें तो 71 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट हुआ है फॉर्मल सेक्टर में इन 2017-18 में। और अगर जॉब क्रिएशन की बात करें तो कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो अपने आप में जॉब को क्रिएट करते हैं, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो कि जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट। सो इन ये भी ज़रूरत है कि इनके द्वारा किए गए जितने भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया गया है उनको भी इस कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाए। और अगर इन तीनों प्रोफेशनल्स के थ्रू जॉब को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये अकेले ही 1.08 करोड़ जॉब्स को या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू 20 जॉब्स को एज्यूम किया गया है कि वो क्रिएट करती है, मेडिकल प्रैक्टिस के थ्रू 5 जॉब्स और लॉयर्स के थ्रू 3 जॉब्स। और अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव थी, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर इन दोनों के हिसाब से देखें तो ये अकेले 2 साल में 5 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लार्ज चंक में जनरेट की है, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स भी है या फिर स्मॉल फर्म्स हैं जो व्हीकल को ओन करते हैं और उनको चलाते हैं। और अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की बात करें तो जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं इंडिया में, जैसे ट्रक है, LMV है, LMV पैसेंजर्स या गुड्स के लिए है, बसेस है, टैक्सीज है, ये सारे बहुत सारे जॉब्स को जनरेट करते हैं। सो अगर पर व्हीकल देखा जाए तो हर पर व्हीकल में 2 न्यू जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। और अगर 2016-17 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स के अकॉर्डिंग जो जॉब क्रिएट हुए हैं वो अकेले ही 2.25 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं। और अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो टोटल न्यू जॉब्स जो क्रिएट हुए हैं फॉर्मल सेक्टर में, जिसमें EPFO, NPS, ESIC है, तो उसमें टोटल जॉब्स जो क्रिएट हुए हैं पर ईयर 1 साल में 71 लाख, जिसमें कि आपका CA, लॉयर्स, मेडिकल प्रोफेशनल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सब कुछ इंक्लूड है जो मैं अभी बताई। और अगर हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर का बात करें जिसमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज ये सारी आ जाती है, तो उनमें 1 साल में 29 लाख के करीब आपका जॉब क्रिएट हो रहा है। यानी 1 साल में अगर देखें दोनों को मिला के तो टोटल जो जॉब क्रिएट हो रही है वो 1 मिलियन के करीब जॉब क्रिएट हो रही है। और अगर स्टॉक की बात करें कि कितने स्टॉक्स है अभी जनरेशन और जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट, तो फॉर्मल सेक्टर का देखें जिसमें EPFO, GPF और ESIC है, तो उसमें आपका 9 मिलियन या फिर 9 मिलियन से भी ज़्यादा आपका अभी जॉब्स स्टॉक में है। और अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ये 4 मिलियन से भी ज़्यादा आपका जॉब स्टॉक्स में है, यानी अगर दोनों को ऐड करके हम लोग देखें तो 14 मिलियन जॉब्स जो है अभी भी स्टॉक में है। और अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर अकेले 43% जो है वो जॉब क्रिएट करती है, जिसके थ्रू इंडस्ट्री और सर्विसेज में 28 करोड़ जॉब्स अपने आप वो चली जाती है।
अगर ये सारी एनालिसिस के तर्ज पे हम लोग देखें तो प्रॉब्लम हमारा जॉब क्रिएशन का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, प्रॉब्लम है हमारा वेज प्रॉब्लम, कि लोगों को जॉब तो मिल रहा है लेकिन वेजेस बहुत लो है या बहुत एबनॉर्मल है या फिर बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। मेल को वेजेस ज़्यादा मिल रही है, फीमेल को वेजेस कहीं कम मिल रही है, तो ये सारी वेजेस की प्रॉब्लम है और लो वेजेस स्पेशली इनफॉर्मल इकॉनमी में है। और इतनी लो वेजेस है कि कोई भी एक इंसान या इंडिया के सिटीजन्स के बारे में अगर कहें तो वो कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इस डेटा ने ये प्रूफ कर दिया है कि जो जॉबलेस ग्रोथ का हम लोग के ऊपर कंप्लेन हो रहा था वो कम्प्लीटली अनफाउंडेड है और टोटली रॉन्ग है। इंडियन इकॉनमी जो है वो ग्रो की है बिटवीन 1991 टू 2018 में एट द रेट ऑफ 8.7% से, और ये रेट को कभी भी जॉबलेस ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। और इंडिया की जो करेंट जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.5% है पर एनम। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें बहुत ज़रूरत है कि जॉब के डेटा को हम लोग अच्छे से निकाल के लेके आए, जिसके थ्रू हम लोग फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में अच्छे से बेटर इम्प्लीमेंट कर सके पॉलिसीज़ का और उन लोगों को एक बेटर और प्रोडक्टिव लाइफ प्रोवाइड कर सके। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की जितनी भी आर्टिकल्स बची है वो लेकर आऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू।